गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने अपने 5.2 के 9 तक के क्वेश्चन कर लिए थे, आज अपन 10 से शुरुआत करते हैं। तो 10 का क्वेश्चन देखिए, सारणिकों को हल करना है, यानी सारणिकों से अपन को इस समीकरण को हल करना है। तो सारणिक यानी अपना क्रेमर नियम अर्थात डेल 6 1 -3 1 3 -2 2 1 4, डेल 1 5 5 8 1 -3 3 -2 1 4, डेल 2 6 1 2 5 5 8 -3 -4, डेल 3 6 1 2 1 3 1 और 5 5। ये अपने बन गई सारणिक। अब अपन इन सारणिक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए डेल का मान क्या आएगा, 6 लेके प्रसार किया तो 12 + 2, माइनस का 1 तो 4 - +4, माइनस का 3 लेंगे तो 1 - 6, तो 12 और 2 = 14, 14 + 14 = 84, 4 - -8 ये 5, तो प्लस के 15, ये कितने आ गए 99, में से 8 गए तो 91। डेल 1 का मान कितना, डेल का मान कितना आ जाएगा 91 93। अब डेल 1 का मान अपन निकालें तो देखिए 5 के आगे 4 = 12 + 2, माइनस 1 के आगे ये वाली 5 के 20 + 16 और माइनस 3 के आगे 5 - 24, तो 12 और 2 = 14, 14 × 70, 20 और 16 = 36, तो माइनस के 36, 24 में से 5 गए तो 19 और 19 × 38 = 57, प्लस के 57। अब देखिए 70 में से 36 गए तो 34 प्लस 57, तो 7 और 4 = 11, 5 × 3 = 8 = 9, कितना आ गया 91। अब देखिए डेल 2 का मान, डेल 2 का मान ज्ञात करेंगे तो 6 के आगे 5 के 20 + 16, माइनस 5 के आगे 4 + 4 और माइनस 3 के आगे 8 - 10, तो 20 और 16 = 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 3, 6 × 3 = 21, 36 × 6 = 216 और 8 × 8 = 40, माइनस के 2 तो प्लस के 6, तो 216 में से 40 गए तो यानी 216 और 6 = 222, तो 222 में से अगर अपन 40 घटाएंगे तो 20 वे गए और 20 और गए तो 182 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 182। ये हो गया अपना डेल 2। अब अपन ज्ञात करें क्या डेल 3 का मान, तो डेल 3 के मान में देखिए 6 के आगे 8 + 24 माइनस 5, माइनस 1 के आगे 8 - 10 और प्लस 5 के आगे 1 - 6, तो सोल्व करोगे, मैं यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। अब तो 24 में से 5 गए 19, 19 × 38 = 96, 96 × 95 = 114, माइनस 2 तो प्लस के 2 और ये माइनस के 5 तो 25, 114 और 2 = 116 - 25, 6 में से 5 गए 1, 11 में से 2 गए 9। देखिए अपन x का मान ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा, डेल 1 का मान 91 और डेल का मान कितना 91 तो 1। फिर y बराबर डेल 2 बटा डेल, डेल 2 का मान 182 और उसका मान 91 तो 2, और z का मान डेल 3 बटा डेल तो 91 बटा 91 तो कितना आ जाएगा 1। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 10 में, इसमें अपन को सभी में 1/x 1/x है, 1/y है, 1/z है, लेकिन अपन तो अपना जो डेल मानते थे वो एक्स वाई का मानते थे, इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि
एक बट्टा एक्स बराबर पी, एक बट्टा वाई बराबर क्यू और एक बट्टा जेड बराबर आर। तो अपनी समीकरण क्या हो जाएगी, 2p प्लस 3q प्लस 10r बराबर 4। फिर 4p माइनस 6q प्लस 5r बराबर 1, 6p प्लस 9q माइनस 20r बराबर 2। ये हो गए। अब इससे अपन अपने डेल डेल 1 डेल 2 डेल 3 से पी क्यू आर के मान ज्ञात कर इन समीकरणों में रख देंगे। तो देखिए मैं सबसे पहले डेल लिखता हूँ, 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20। तो 2, 20 का 120 माइनस 45, माइनस के 3 तो 20 चौके 80 और 6 5 30, प्लस के 10 9 चौके 36 और प्लस के आ जाएंगे 36। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 120 में से 45 गए तो 75, तो 2 × 75 माइनस 80 और 30 110, 110 को 3 से गुणा करना है तो माइनस के ही हैं 110, प्लस 10 36 72, तो 75 × 5 × 10, 7 × 14 और 1 15, 150, माइनस 11 × 3 33 तो 330 और 72 × 2 तो 720, तो 0 0 0 2 3 5 है, 5 10 की 0 और सलवाई 1 7 3 10 11 1 12। कितना आ गया अपना डेल का मान, 1200। अब अपन ज्ञात करेंगे किसका, डेल वन का। तो डेल वन का मान क्या होगा, 4, 1, 2, 3, 10, -6, 5, 9, -20। मान ये आ गया डेल वन का मान। फिर अपना डेल टू का मान, तो 2, 4, 6, 4, 1, 2, 10, 5, -20। तो मान ज्ञात करेंगे, 2 के आगे -20, -10, -4 के आगे -80, -30, +10 के आगे 4 × 8, -6। तो ये आ गया 30, 30 × 60, 80 और 30 110, 110 चौका 440 और प्लस का 8 में से 6 गए 2 तो प्लस का 20, तो ये आ गए 420 में से गए, 460 में से गए तो कितने आ गए 60। अब देखिए इसी प्रकार अपन अपना ज्ञात करेंगे क्या, डेल थ्री। तो डेल थ्री अपन लिखेंगे तो 2, 3, 4, 4, -6, 1 और 6, 9 और 2। 2 लेके किया तो 6 × 12 -9, -3 लेके किया तो 4 × 8 -6 और प्लस का 4 लेके किया 9 चौक 36 + 36। तो देखिए 12, 8, 20, 21 में से 2 तो -42, 2, 2, 3 × 6 36, 36, 72, 72 चौका 4 × 8, 7 चौके 28, 288। तो 42 और 6 कितने हो गए 48, तो 288 में से 48 गए तो 240। ये मान किसका आ गया अपना। अब देखिए अपना डेल का मान प्राप्त हुआ 1200, डेल वन का मान प्राप्त हुआ 600, डेल टू का मान हुआ 400, डेल थ्री का मान प्राप्त हुआ 240। अब अपना पी निकालते हैं तो डेल वन बट्टा डेल क्या हो जाएगा, डेल वन बट्टा डेल यानी 600 बट्टा 1200। एक क्यू का मान डेल टू बट्टा डेल तो 400 बट्टा 1200
तो यानी 1/3, आर का मान डेल 3/डेल तो यानी 240/100, 1200 जीरो से जीरो, 12 × 24, 12 × 2 एक और 5, 1/5। अब अपन एक्स का मान ज्ञात करें, अपने अपना 1/x बराबर था पी, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/2, तो एक्स का मान आ जाएगा 2। 1/y बराबर क्यू, तो 1/y बराबर 1/3, तो y बराबर 3। 1/z बराबर r, तो 1/z बराबर 1/5, तो z का मान 5। ये हो गया अपना प्रश्न 10। अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 11 में आता है आयु से हल करना, यानी अब अपने पास क्या आ गया, आयु सिद्धांत। तो आप किस प्रकार लिखोगे, 2, 3, -1, 4, एक्स वाई -2, 3। ये हो गया अपना ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी करना है अपन को। तो अब यहाँ से ए से अपन ए इनवर्स ज्ञात करके बी के साथ क्या कर दें, उसके गुणा कर दें। तो देखिए ए इनवर्स अपन ज्ञात करेंगे तो 2 का 4, -1 का 3, 3 का -1 और 4 का 2, तो 4, 3, -1, 2, ±±+, इसका ट्रांसपोज, तो 4, 1, -3 और 2, ये अपना क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब अपन ए की सारणी को निकाल लेते हैं, यानी 2, -1, 3, 4, तो 4 × 8 + 3 कितना आ गया, 11। अब अपना x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स लिख लेते हैं पहले, a इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/11 और 4, 1 - 3, 2। तो अब अपना x बराबर क्या होगा, a इनवर्स b, तो यानी 1/11, 4, 1 - 3, 2 की गुणा करनी है किसके साथ, -2, 3 के साथ। तो 1/11 बाहर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, -8 + 3, और फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या जाएगा, 3 × 6 + 3 × 6, तो क्या जाएगा, 1/11 और -5 + 12, तो क्या आएगा, -5/, ये मैं आगे लिख देता हूँ, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5/11 और 12/11, ये आ गया। x का मान क्या था, x और y, तो -5/11 और 12/11, x का मान -5/11, y का मान 12/11, ये हो गया अपना 11 में पहला। अब दूसरा देखिए, इन समीकरणों को आप पहले लिखिए, 5x + 7y = -2, 4x + 6y = -3। तो अपना 5, 7, 4, 6, xy -2 और 3, ये हो गया ए एक्स बराबर बी, तो x बराबर ए इनवर्स बी, तो अपन ज्ञात करेंगे अब ए इनवर्स, तो 5 का 6, 7 का 4, 4 का 7, 6 का 5, 6, 4, 7, 5, ±±+, इसका ट्रांसपोज, तो 6 - 7 - 4 और 5, ये क्या आ गया, ए डी जे ए। ए की सारणी को ज्ञात करेंगे तो 5, 7, 4, 6, 6 × 5 = 30, 7 × 4 = 28, कितना आ गया, 2, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/2, 6 - 7 - 4 और 5, x बराबर 1/2, 6 - 7 - 4 और 5, b का मान आएगा -2 और ये -3 था, तो -3, तो दोनों गुणा करेंगे 1/2 पहली पंक्ति, तो -12 और प्लस के आ जाएंगे 21, ये -+8 और -15, कितने बचेंगे, 1/2, 21 में से 12 गए तो 9 और 15 में से 8 गए तो -7, तो ये आ जाएगा x, y, x और y के बराबर में 9/2 और -7/2, ये हो गया अपना 11।